हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंकर चिंतामणि में। और आज आपको देवउठनी एकादशी तथा शालिग्राम भगवान माता तुलसी के विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। शादी विवाह होता है तो घर को सजाया जाता है कि नहीं? घर को बिल्कुल सजाया जाता है। भगवान विष्णु जी भी आज निद्रा से जागे हैं तो उनका भी स्वागत किया जाता है कि उठ गए हैं, तो उनको भी अच्छे से प्रार्थना पूजा वगैरह की जाती है। इसीलिए बिलोटा ने भी आज जो है बहुत अच्छे से पूजा करी है और पूरे घर में दीपक वगैरह लगाए हैं। एकादशी है तो एकादशी में फलाहार में साबूदाना बन रहा है। साबूदाना बना रही हो? तुमको पसंद है साबूदाना? ठीक ठाक ठीक ठाक पसंद है, मतलब ज्यादा पसंद नहीं है? हाँ ठीक है। ये डाल दिया है जीरा और ये मूंगफली जो है फ्राई हो गई है, कटी हुई हरी मिर्च। ज्यादा डालने? हाँ डाल डाल, कटी हुई हरी मिर्च किस तरह चढ़ चढ़ा रही है। बहुत साबूदाना भिगो के रख लिया। ये डल रहे हैं आलू, फ्राई हो रहे हैं, आलू बॉईल किए हुए हैं ना। वाह, एक दीपक यहाँ लगा दिया है, यहाँ भी दीपक लगा दिए हैं। पूरे घर को जो है बिलोटा ने दीपक से सजा दिया, पूरे घर को बिलोटा ने दीपक से सजाया। नो 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 और ये तुलसी शालिग्राम विवाह पे इतनी सुंदर तुलसी की रंगोली बनाई है हमारे बाजू वाली आंटी ने। मेरे को ये बता, तू इतना डरपोक बेलौटा क्यों है? तू इतना क्यों डर जाता है? तेरे को क्या लगेगा मेरे अलावा घर में कौन रहेगा? तो बिल्ली आ नहीं सकती, चूहा आ नहीं सकता, तो बिल्ली आएगी भी तो क्या, बिल्ली के लिए तो बेलौटा ही। मैं काम कर रही हूँ, अपना पूरा ध्यान मेरा वहां पे है। क्यों डरेगा? और पता है ना तू कहाँ से है? झांसी, झांसी की रानी है ये। डरपोक है तू तो, दिल खोल के लड़वा लो जाते बस, और डर जाएगा बहुत। वाह कितने बढ़िया लाल लाल आलू हो गए हैं। अच्छा चल एक गाना गा के सुना दे हल्का सा। सुना सुना, कल जो तू गा रही थी भगवान कृष्ण का एक गाना सुनाइयो ना। है कुछ तो गा रही थी ना तू? अच्छा वो वाला सुना, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। सुना, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तो गाना सुनाने के लिए है करे जा रही है और पीछे से खूब मटकेगी, खूब गुनगुनाएगी, सो नहीं। गा चले गाना, गा प्यारा सा गाना, गा दे वो वाला, गा दे कौन सा वाला। देखो ये बात तो सही है, अभी पूरी आधी कढ़ाई भर जाएगी और हम दोनों उसको खा जाएंगे पूरा, दोनों निपटा देंगे। जबकि बाकी घरों में तो मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, जितना हमारे अभी बना है ना उतने में तो चार पांच छह लोग खा लें। पर उनके और भी चीजें रहती है ना अपने, बस यही एक चीज है जो अपने को खानी है। हम लोग सब्जी भी खाते हैं तो बढ़िया कटोरा भर भर के डोंगा भर भर के सब्जी खाते हैं। ये सब्जी लेकिन मेरे मुकाबले कम ही खाती है। बिलीव नहीं हो रहा तो सच में दो लोगों के हिसाब से कितना साबूदाना बन रहा है, मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार, गौर से देखिएगा। ये देखो कितना सारा साबूदाना बनाया है, लगभग लगभग आधा कढ़ाई भर के, और अभी तो ये फूलेगा और। हाँ अब फूलेगा। सेंधा नमक, सेंधा नमक ये बता ज्यादा क्यों डाला जाता है? बाकी नमक के मुकाबले सेंधा नमक ज्यादा क्यों डालते हैं? वो थोड़ा कम नमकीन होता है, ये ज्यादा नमक, ये कम नमकीन होता है, वो ज्यादा नमक। अच्छा तो मतलब है तो नमक ही ना, तो कम नमकीन क्यों होता है? इसमें क्या शक्कर मिली होती है? तो काले नमक में क्या काला पानी मिला होता है? देखा यही यही चीज यही तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया तो एकदम से जवाब हाजिर जवाब है, तैयार रहेगा बिल्कुल। काला पानी क्या काले नमक में होता है? तेरे को काले पानी की सजा दे दूंगा अभी। अच्छा पता काले पानी की सजा क्या थी? बोल। काले पानी की सजा में हाँ, जो कैदी होता था हाँ, उसको ऐसी जगह रखा जाता था धूप से इतनी सी हल्की सी रोशनी आती थी, तो पानी काला होता था? नहीं पानी तो गोरा ही होता था। अच्छा पानी 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 गोरा, जगह काली होती थी। पानी गोरा होता है? पानी गोरा नहीं होता, पानी होता है नीला। अच्छा तेरे को ऐसा फील होता है जब तू कभी सूखी उठती है तो तूने सपने में देखा होगा तू काला पानी की सजा काट रही है? मेरे पास जीवन में बहुत सारे सपने हैं जो मुझे दिखते हैं, मैं काले पानी की सजा क्यों काटूंगी, ऐसे मैं क्यों सपना देखूंगी। मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे सपने हैं जो जैसे बता बता कैसे सपने हैं तेरे को, कौन से सपना देखती है तू? बता दिया तो बता तो। अच्छा तेरा सबसे बढ़िया सपना जो
मतलब तेरे को चाहिए कि जीवन में सबसे अच्छा सपना तेरा कि हाँ ये होना चाहिए कम से कम? हाँ तो बता दिया ना, तो पूरा नहीं होता क्या? नहीं बता, मुझे तो बता दे। तुम्हें भी क्यों बताऊं, जब होगा तब बता दूंगी। ऐसा मेरे सपने में देखा, ऐसे मैं हमेशा बताती हूँ, मैंने सपने में देखा। हाँ एक चीज और है, मतलब ये कह लो जब मैं सकती हूँ। हाँ हाँ पिशाचिनी कल मैं इसको पिशाचिनी बोल रहा था, हम सीरियल देखते हैं बहुत ही गौर से, पिशाचिनी। हम नहीं, नो हम नहीं। तू भी देखने लग गई है अब तो स्टोरी पूछती है मुझसे कि आगे क्या हुआ उसको। अरे इसके फैमिली को पता चल गया कि ये पिशाचिनी है, पूरी स्टोरी अब वो दिख रहा था टीवी में सब लोग। हाँ तो तू फैमिली वाला पिशाचिनी, तो तू स्टोरी क्यों पूछती है? पता चल गया। मैंने इसको कल पूछा कि अगर तू पिशाचिनी होती तो तू क्या चीज करती? सबसे पहले तुम्हारा ट्रांसफर वृंदावन करवा देती। मैंने कहा ट्रांसफर ही क्यों करवाती, फिर नौकरी करने की जरूरत ही क्या थी अब तू पिशाचिनी होती तो? भैया मैं पिशाचिनी होती लेकिन तुम तो इंसान ही रहते ना, तुम तो अपना कर्म करो। भैया पिशाचिनी सबकी मनोकामना पूरी करती है, मैं तेरे से कहता ला 5 करोड़ रुपए, तो 5 करोड़ रुपए नहीं दे देती? अरे मैं पिशाचिनी हूँ, तुम तो इंसान हो, तुम्हें कर्म करने पड़ेंगे। तो करेंगे ना भक्ति, हम जो भक्ति करते हैं। अरे जाओ भक्ति पिशाचिनी, मैं तुम्हारे पास ही नहीं रहती। लेकिन ये पिशाचिनी नहीं हो सकती क्योंकि इसको पीछे से थोड़ा सा डराया तो एकदम से भिदक गई। घोड़ा गाना गा, गा 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 गाना गा दुनिया जमाने से गाना पीछे से क्यों गुनगुना रही अभी गा। तो आज जो है बातों के चक्कर में ये साबूदाने में मूंगफली पीस के डालना भूल गई, और फिर कह रही अरे यार आज तो मेरा साबूदाना जो है चिपक रहा है। अब ये जो है मूंगफली को पीस के डालेगी ताकि इसका साबूदाना जो है खिला खिला हो जाए। जब ये मूंगफली पीस के इसमें डाल दो तब ये थोड़ा खिल जाता है, खिल के बहुत अच्छा खिलता है। और ये डल रहा है साबूदाने में बढ़िया बारीक धनिया। यू आर माय बनिया। कौन हूँ मैं तेरा बनिया हूँ? सैया नहीं बोल रही है मैं तेरा बनिया। तो वो धनिया से वो कर रहा है, राइम कर रहा है सैया। पागल बिलोटे ब्राह्मण को बनिया बना रहा है। इंसान अपने कर्म से होता है, नाम के आगे से ब्राह्मण लगाने से नहीं ब्राह्मण होता है। तब ज्ञानी है तू हैं? कितना ज्ञानी है, अरे भाई लाला कितना कितना ज्ञानी है। जिसको भी साबूदाना पसंद हो कमेंट करके बताइए इस तरीके से बनता है कि कोई और दूसरा तरीका भी है साबूदाना बनाने का आपके पास, वो भी ट्राई करेंगे, बताइए। ओ माय गॉड, नहीं विश किया, बहुत बड़ी गलती होगी। देखा मैसेज डाल देता हूँ। आज जो है बेलोटा की बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट मतलब बेस्टेस्ट, ऑल द बेस्ट, उसकी फ्रेंड है अनुभा श्रीवास्तव, उसका आज इस धरा पर अवतरण दिवस है। तो अनुभा इस वीडियो के माध्यम से तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया केक काटो, नए कपड़े पहनो, घूमो फिरो, मौज करो, आनंद लो, और और भगवान से प्रार्थना करो कि बेलोटा को सद्बुद्धि दे। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबको दे। क्यों कितना भगवान है। आज जो है एकादशी के दिन इसने लड्डू गोपाल जी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, वो भी मैं दिखाता हूँ, और मेरे को बोल भी रहा है प्लीज हमारे लाला की ड्रेस भी दिखा दो ना। वाह ये है लाला की सुंदर सी बंसी, लड्डू गोपाल जी का कितना सुंदर श्रृंगार किया है, नई ड्रेस पहनी है, नई बंसी लगाए है, माला भी नई पहनी है, नया मुकुट पहने है, नया मोर पंख लगाए है, बहुत सुंदर, और टीका लगा के तो ऐसे बैठे माता रानी वाला। क्यों रे तूने माता रानी का टीका लगा, ऐसे बड़ा सा टीका लगा दिया देवी मैया जैसा, छोटे से लड्डू गोपाल जी को, बाजू में माता रानी जी बैठी हैं और लड्डू गोपाल जी साबूदाना खा रहे हैं। तो तूने आज वास्तव में लड्डू गोपाल जी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, शाबाश। मैंने ऐसे किया था, देख अगर मेरे को बाल उड़ाने होते ना तो मैं ऐसे करता। जमीन पे रख लो अपने कदम, मेरे को नहीं पता था कि तू कभी भी है। तूने अभी जो कविता गाई जरा धरती पर रख लो अपने कदम, तेरा कहने का मतलब क्या था? उसके बैठे तो सोफे पे बिस्तर पे इन सब चीजों पे खाना नहीं खाना चाहिए। चलो सोफे पे तो एक बार हम खा भी लेते लेकिन बिस्तर पे खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये क्या, मैं तो सोफे पे बैठा, जमीन पे बैठे खाना चाहिए, जमीन पे। मौत हो जा कोई ऐसा चले वो बस पकड़ के ना कुचड़ दो बस। ये है नमक की शीशी जो मैं बैंक ले गया था आज, और ये है मेरा साबूदाना। तो आज जो है बेलोटा ने मेरे लिए बनाई थी बढ़िया मसालेदार पूड़ी,
उसके साथ रखा था नींबू का अचार, मिर्च का अचार, साथ में रायता भी बनाया था, बूंदी का अचार रख दिया था, तो पूरी खा ली। और उसने मेरे को बैंक में फोन किया, तू आज जो है रायता नहीं ले गए हो। तो मैंने कहा क्यों रायता क्यों नहीं ले गया, मैं तो टिफिन रख लिया था, मैंने टिफिन रख लिए थे, जो जो टिफिन दिए थे, पानी की बोतल रख ली थी, नहीं रायता यहीं छूट गया है। तो फिर मैंने चेक किया तो हाँ रायता जो है यहीं पे छूट गया था, कोई बात नहीं, मैंने अचार के साथ जो है पूरी खा ली थी और रायता इसने फ्रिज में रख दिया था, अब उसी रायते को मैं जो है बढ़िया नमक डाल के साबुदाने के साथ खाऊंगा। ये तो खाएगा नहीं क्योंकि इसका क्या है व्रत, मेरा व्रत तो नहीं है, मैं तो खा सकता हूँ। 9 दिन हो गए वो 9 दिन किसके हुए हैं, ये एक राज की बात है, हाँ ये 30 दिन बाद हम बताएंगे। वाह, साबुदाना की खिचड़ी और रबूदी का रायता, कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है, मजा आ गया, खत्म कर लेते हैं, फिल्म लेते हैं। कितने गौर से टीवी देख रहा है, तो अभी कौन सी पिक्चर देख रहा है, तो अभी हम देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। स्टार्ट तो काफी अच्छा था, पूरी मूवी देखने के बाद ही हम रिव्यू दे पाएंगे कि कैसी थी। तो तेरे को इस तरह की मूवी पसंद आती है? देखती हूँ मैं कितनी देर बैठ के देख पाती हूँ, अभी मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे मैं तो बहुत जिज्ञासा से पूरी मूवी देख सकता हूँ, मुझे तो कुछ वो नहीं है, मेरे को तो जितनी मूवी देखवा दो, मैं सुबह के 4-5 बजे तक भी अभी से कंटिन्यू बैठूंगा तो भी 7-8 घंटे आराम से पिक्चर देख सकता हूँ। नहीं मैं 5 मिनट और जैसे देखूंगी ज्यादा हुआ तो मैं जाऊंगी, मेरे पास काम भी है। तो ब्रह्मास्त्र डिज्नी हॉटस्टार पे आ रही है, उस पर देखिए। ब्रह्मास्त्र हम थिएटर में देखने नहीं जा पाए क्योंकि समय का बहुत अभाव था, टाइम ही नहीं मिलता था और कुछ ना कुछ काम में हम बिजी रहते थे, इसीलिए अभी हम लोग डिज्नी हॉटस्टार पे ब्रह्मास्त्र को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी एंजॉय कीजिए। तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी बेटी एडमिट है, उसको प्रॉब्लम तो 4 दिन से थी लेकिन जहां इनकी ब्रांच है उनका घर भी वहां पर ही है, तो वहां डॉक्टर बहुत अच्छे नहीं है, एकाध कोई है तो वैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट दे रहे थे जिससे उसको फायदा नहीं हुआ, तो उनको रत्नागिरी लेकर के आना पड़ा बच्ची को, और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तो उसके शरीर में पानी बहुत कम हो गया है, तो डॉक्टर यहाँ स्लाइन वगैरह लगा रहे हैं, तो ये अभी बैंक से आए, हमने खाना वाना खा लिया है, अब के 9:30 बज गए हैं, अब 9:30 बजे के बाद हमें जो भी रिश्तेदार जो भी कुछ करना है वो हम अब कर सकते हैं, तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में उसको बच्ची को देख करके आ रहे हैं। तो चलिए, तो इस वाले हॉस्पिटल में वो एडमिट है, हम उसको अभी देख के आ गए हैं, बिलोटा देख के आ गया है, क्यों भैया अभी ठीक है? खंडाला में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, वहाँ छोटी जगह है बहुत, इसीलिए उसको यहाँ रत्नागिरी में एडमिट किया है, कल ही जो है सब पता चलेगा। फिर हम बच्ची को देख के वापस आ गए और हम वापस जा रहे हैं अपने रूम पर, घर। तो हम लोग अभी वापस आ गए हैं, रात काफी हो गई है और आंखों में नींद भरी हुई है, नींद आ रही है। तो चलिए, ब्लॉग के साथ हमेशा बने रहिए, वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट करते जाइएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।